हाँ पानी ठंडा वा कि गर्म आ? गर्म आ लाख चुबी फिर एक वे चुबी मार खा भला कितने कितने पानी गोडे गोडे पानी है ना बस खोदी इन्नी डूंगी नहीं है गोडे गोडे पानी होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्लाह ताला दी रहमत नाल अज दा व्लॉग करते हैं जी शुरू। अगर तुसीं मेरा चैनल हजे तक सबसक्राइब नहीं किया होया तो अपने सोहणे सोहणे ते प्यारे प्यारे हत्थां नाल मेरा चैनल सबसक्राइब कर दो। अज जनाब प्रोग्राम बनिया सीगा कि टूबल चलाउणा वा, ट्रैक्टर साडा चल रहा वा, ट्रैक्टर हैगा साडा अपना ते टूबल हैगा वा किसे होर दा, ते ट्रैक्टर असीं अपना लाता वा माशाल्लाह टूबल भी चलाता वा, पानी निकल रहा बड़ा साफ ते शफाफ पानी निकल रहा वा माशाल्लाह। साढ़े नाल अज अमार भी आया वा ते अमैस भी मेरे नाल आया वा। अज जनाब साढ़े खेतों नूं पानी जा रहा वा, आ हैगी टूबल की होदी इतों वे होंदा 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 पानी खाले विच जा रहा वा, अखाड़ा सीधा जाके साढ़े मुरब्बे तिकर पानी लैके जा रहा वा, यह अखाड़े के थ्रू साड़ी फसलों नूं पानी लग रहा वा जी। और सामने टूबल चल रहा वा, जिस बंदे ने इधर नूं पानी लैके जाना वा वह इधर इस खाले विचों पानी ले जा सकदा ते इधर दा हिस्सा बंद कर सकदा वा, ते जिन्हें इधर नूं पानी लैके आना वा उन्हें उधरों बंद कर देना, तो फिर आ खाले की मदद ना जनाब अगे फसलों नूं पानी लग सकता वा, अग्यों जाके खाला कच्चा हो जाता वा, तो इतने तिकर हैगा वा पक्का जिहड़ा इधर वाला खाला वा ये अगे तिकर पक्का खाला जाता वा, तो फिर अग्यों जाके ये भी कच्चा हो जाता वा। आ देखते हैं कि आह की शै बनाई हुई आ, ये ट्यूबवैल मैनू लगता वा क्योंकि पुराना वा लेकिन हुण हो गया होया वा बंद, इहदा बड़ा प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया वा किसी दौर च बनाया होना वा। बिस्मिल्ला आ जनाब इहदी होदी आ, होदी भी काफ़ी खुली आ ते गहरी आ, और सामने वाली साइड से लगा होया वा इहदा जिहड़ा बाकी सिस्टम जिथों पानी आना वा बोर किया होया वा, खूह इहदा परली साइड ते बणिया होया वा लेकिन हुण इह बिल्कुल भी कम दा नहीं हैगा, हुण इह खराब हो गया होया वा ते इस करके फिर यह नहीं चलाया जाता हैगा। जिहड़ा वह सामने वाली साइड ते लगा वा वह हजे चल रहा वा, इस करके जिन्हें चलाना होंदा फिर उतों आ के चला लैंदा अपना ट्रैक्टर ला के। इहदे विच उतर हाँ भला आ सीढ़ियां वा जी जिथों थले उतर के जाया जाता वा, तो विच खुश्क पत्ते जिहड़े आ दरख्तां दे उह डिगे होए आ, किसी ने अज तक इहदी सफाई भी नहीं की हैगी जदों दा इह बंद होया वा, क्योंकि जिहड़ी चीज़ बेकार हो जांदी आ फिर उहनूं असीं बेकार करके सुट दईए तां मुड़ के उहदे वल देखीदा भी नहीं हैगा। तो हर पासे बड़े ही प्यारे दरख्त लगे हुए आ, कनेर दे दरख्त लगे हुए इधरली साइड दे, ओह भी सारी लाइन जिहड़ी है भी कनेर दे दरख्तां दी आ, ते जिहड़ा छां दी गल करिए ते छां बड़ी ही गूढ़ी आ माशाल्लाह इत्थे, बाकी परली साइड ते उहनां ने कणक बीजी होई आ। इधर वाली साइड ते कोई फ्रूट वाले दरख्त लगे आ लाइन दे विच, नींबू हो सकदे आ या माल्टे भी हो सकदे आ, ओह सामने अमरूदा दे दरख्त लगे हुए आ। टूबल असीं अज इस करके चलाया वा कि साडे खेतां विच अज बीजी जाणी आ जी बेल तोरी, बेल तोरी का जिहड़ा बी आ उह लाया जाणा वा, इस करके सानू ट्यूबवैल की जरूरत पई आ, असीं ट्यूबवैल चलाया वा। नहर दी हैगी आ अजकल बंदी, महीने वास्ते नहर हैगी आ बंद, इस करके जे असीं क्योंकि सब्जी लाई है तो फिर सानू पानी की लोड़ पैंदी रहिंदी आ, ते असीं ट्यूबवैल चलाया वा ताकि साडी बेल तोरी जिहड़ी आ उह सही तरीके नाल फसल जिहड़ी लग सके। मैं भी अंदर आवां, मैं भी अंदर आउंदा हुंदा है। 1 2 3 4 5 6 छे पौड़ियां दे अंदर आउंदियां, अंदर आके तो आवाज ही बदल गई है, जिदा आवाज ना टकरार ही होंगी है ना। आ देखो कि पैप कि खुश्क पत्ते हुए हुए थले, कुछ शाही ना निकल जाए कि पैप पानी बाहर जाने लिए रखे है, और क्या होर कातो रखे होर पानी हवा लवा रखे है। आ खोलिए तो पानी बस इतने तक रहूगा है ना, अगर नहाने का प्रोटोकॉल हो ठंड गर्मी बहुती हो फिर पानी इतने तक रहूगा, थले पैप उन्होंने काटने जी अगे बंद थले पानी नहीं निकलूगा तो फिर इतों पानी बाहर जाऊगा, अगर सर्दी आ तो फिर थले पैप खोल देने क्योंकि पानी थले थले तक रहे, तो आ कर देने जी उन्होंने बंद क्योंकि इतने तक तो पानी पहले ही नहीं आना है, थले खुले होने ये प्रोटोकॉल बनाया जो ये किसी ने बनाई होगी होती उन्हें पता नहीं की सोच समझ के बनाई होनी आ, कि नहाने का प्रोटोकॉल भी रखिया उन्हें वड्डी होदी बनाई आ, अगर गर्मी हो बंदा इतने आकर चुबिया चुबिया भी ला सकता वा, खाण पीण का भी मतलब इतने आके खा पी भी सकता वा, सारा प्रोटोकॉल उन्हें बनाया हुआ वा, लेकिन हुण बिल्कुल जिहड़ा बेकार हो गया होया वा बंद वा। इहदा खूह जा के देखदे आ कि खूह जिहड़ा वा ओह किन्ना क पुराना वा, खूह दे कोल असीं आए आ ते खूह देखदे आ कि खूह दा की हिसाब किताब आ जनाब, डर ही लगदा थले देखदे होया वी
खूह जड़ा वा काफी गहरा वा, खूह खराब हो गया, चुड़ पिया वा। हाँ ते खूह जड़ा वा ना देखो के इट्टा विचों निकलियां होईयां वा इहदियां, बिल्कुल बेकार होया होया वा, थोड़ा पिछे होके खड़े होवो यार, डर भी लगता वा, मैनू बहुत डर लगता गहराई तो ते ऊंचाई तो भी मैनू बहुत डर लगता, अगर मैं उच्चा चढ़ के थले देख लवां ना ते मैनू इदां लगता कि जिद्दां मैं हुणी डिग जाणा मैनू चक्कर आउण दे आ, इदां दा हिसाब किताब हो जांदा मेरे नाल। टूबवैल तो साडी नहर दा फासला भी थोड़ा जिहा वा, इन्ना ज़्यादा नहीं हैगा, ओह सामने जिथे सफेदे लगे आ ना उत्थे हैगी आ जी साडी नहर, ते नहर अजकल बंद वा, जिथों रेहड़ी आउण दी आ ना ओह मेरी उंगल दे नाल नाल देखो कि उत्थे साडी नहर आ, ते आह लगा होया वा जी टूबवैल, नहर हैगी आ बिल्कुल बंद, अंदरों खुश्क होई हुई आ, ते टूबवैल इस करके सानू मजबूरी ना फिर चलाउणा पिया वा, आ साडा जवान खड़ा वा साडा ट्रैक्टर, इन्ना असीं फसलां वी वाही दियां वा ट्यूबवैल भी चलाई दा वा, ते सारे काम जिहड़े आ ओह असीं इस ट्रैक्टर को लई दे आ, तकरीबन जनाब साढ़े को तकरीबन 20 किले हैगे आ जिहड़े असीं ठेके ते लए होए आ, ते 20 किलियां दी वाही वी असीं ट्रैक्टर नाल करी दी आ, ते ट्यूबवैल वगैरह भी इस ट्रैक्टर दे नाल ही चलाई दा वा। तो पानी जड़ा वा ना वो जनाब बहुत ठंडा भी नहीं हैगा ते बहुत गर्म भी नहीं हैगा, अभी नॉर्मल जहा टैंपरेचर आ, क्योंकि मौसम हुण इदां दा वा कि ना बहुत पानी ठंडा होण दिया वा ते ना बहुत पानी गर्म होण दिया वा, ते हुण चलदे आ जी अपने डेरे, तुहानू जाके दिखाउंदे आ जिहड़े खेत विच असीं बेल तोरी जिहड़ी आ ओह काश्त करनी आ, ते आओ साडे नाल जाके देखदे आ कि असीं किहड़े खेत विच अपनी बेल तोरी काश्त करन लगे आ। ਮੁਰੱਬੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਰੱਬੇ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਕਰੇਲੇ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਹੈਗਾ ਕਰੇਲੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਪਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਗੰਦ ਵਗੈਰਾ ਉੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੋਡੀ ਗੁੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਉੱਧਰ ਵਾਲੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੇਲ ਤੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗਿਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਵੇਲ ਤੋਰੀ ਬੀਜਣ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਤੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆੜ ਸਿਊੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਚਲਾਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਖਬੋਈ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਦੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਗੋਭੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਖਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੇਰ ਬੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੇਲਦੋਰੀ ਦਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਲਦੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਆੜ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਬੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੇਲਦੋਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆੜ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲਦੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆੜ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੋੜਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੀ ਲੇਬਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਆ, ਮਾਮੂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਨੇ ਬੀ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਲਦੋਰੀ ਦਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਖਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਰੱਬੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਹ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੇਲਦੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ। ਠੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ।
खाले टोक की हुई वा जितों जितों पानी लग रहा वा आ पहले टोक की इधरली खेत में पानी ला के फिर टोक बंद कर दी आ ते हुण उह अगे पानी छड्या होया वा अगे टोकां कीतियां वा तुहानूं मैं लागिओं जा के दिखाउंदा वा कि टोकां कहिंदे किहनूं आ जिहड़े बंदे तां शहरां च रहिंदे आ उहनां नूं नहीं पता हैगा टोकां की हुंदियां वा लेकिन जिहड़े पिंडां थावां वाले उहनां नूं तां पता वा आ जी खाले चों पानी आ रिहा वा फिर इदां टोक कर दिंदी आ यानी कि जगह विचों खाली कर दिंदी आ इत्थों फिर खेत नूं पानी लग रिहा सारा नाल दी नाल पानी लगी जा रिहा वा ते नाल दी नाल वेल तोरी दा जिहड़ा बीज आ उह लगी जा रिहा वा खेत दे विच हजे एक खेत में पानी छड्या हा वा इस खेत में जिहड़ी वेल तोरी बीजी जा रही आ वह एक अगे भी खेत आ उहदे विच भी वेल तोरी जिहड़ी आ उह काश्त कीती जाणी आ उह भी अज ही कीती जाणी आ फिलहाल इस खेत में पानी छड्या होया वा अगे उह देखो तुसीं कि नक्का बंद कर दिता होया वा क्योंकि एक खेत में पहले वेल तोरी बीजांगे तो फिर इंशाला तला आ भी टोक कीती हुई आ जी इत्थों पानी जा रहा वा खेत के अंदर माशाअल्लाह माशाअल्लाह ते आ अगे नक्का ढक्कण लाता होया वा इत्थों नक्का करता बंद ताकि अगे पानी ना जाए क्योंकि पिछले खेत पानी लग रहा वा नाल वेल तोरी का बीज लग रहा वा अगर पानी दोवें खेतों को कट्ठा छड़ देवे फिर पानी जिहड़ा वा वह घट होएगा तो काम करन दे विच जिहड़ी आ सुस्त रवी आ जाएगी घट काम होएगा इस करके एक ही खेत नूं सारा पानी छड्या वा इहदे विचों भी हजे वह सियाड़ जिहड़ा वा पूरी तरह जिहड़ा नहीं कवर होया हैगा उत्थे तिकर पानी गया वा अगे तिकर हजे नहीं गया हैगा जदों पूरा खेत पानी नाल बिल्कुल भर जाएगा उस तों बाद इस खेत की वारी आएगी फिर इस खेत में पानी छड के इंशाला तला अज ही इस खेत के भी वेल तोरी काश्त कर दी जाएगी अलहमदुल्ला। एक काम साडा यह सीगा कि असी वेल तोरी दिखाउणी सी अपनी यूट्यूब फैमिली नूं कि खेतों में वेल तोरी किदां बीजी जा रही है तो उहदा की तरीकाकार हुंदा वा। दूजा काम एक होर वा अज पकड़ी आ जी घर मज़ेदार जी कड़ी तो घरदिआं ने कहा वा कि मरब्बे लगे होया वा हरा लसण तो हरा प्याज उहदियां चार चार पोथियां लै के आई तो हुण आपां तोड़न लगे हां जी लसण तो प्याज घर लै के जाणा वा फिर घरदिआं ने कड़ी विच उह पाउणा वा। प्याज जिहड़ा वा उह तां लग्गिआ होया वा आह सामणे इत्थों असीं चार पंज पोथियां प्याज दीआं तोड़ांगे। जिहड़ा लहसुण आ ਉਹ ਛਾਪਰ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਪਿਆਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਸਣ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ ਲਹਿਸਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਸਣ ਪੁੱਟਾਂਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਭੂਕਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਵਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਸਣ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੇਲ ਤੋਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਸਣ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੱਟ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।